पिछले कुछ सालों से यूपीएससी की परीक्षा कमी बेश एक तय पैटर्न पर ही चल रही थी, लेकिन और धीरे धीरे कैंडिडेट इसे लेकर काफी सहज भी हो रहे थे। मगर फिर आया साल 2023, जिसने अच्छे अच्छे के जो धागे हैं वो खोल के रख दिए। अचानक से कैंडिडेट्स को, क्योंकि यह एहसास हुआ कि कोई साधारण परीक्षा नहीं लिख रहे हैं वो, बल्कि वो तो देश के सबसे मुश्किल परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं। अब 2023 के झटके के बाद लोगों के मन में इस बात को लेकर काफी चिंता होने लग गई है कि आखिर परीक्षा में क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ा जाना चाहिए। तो पहले तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता था, मगर साल 2000 के बाद जो माइंडसेट है वो ये हो गया है कि अब तो हर चीज ही इम्पोर्टेंट लगने लग गई है, और अब जब हर चीज ही पढ़ना जरूरी हो गया है तो इतने बड़े सिलेबस के लिए समय कैसे निकाला जाए। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कंपेरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब झट से कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएं उसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी के लिए समय कैसे निकालें। तो संघ लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा पैटर्न में काफी अप्रत्याशित हो सकती है, इसीलिए इसकी व्यापक जो प्रकृति की परवाह किए बिना आपको पूरे सिलेबस को व्यवस्थित रूप से तैयार करने की चिंता करनी चाहिए। यूपीएससी आईएएस परीक्षा के कॉम्पिटिशन को देखते हुए कैंडिडेट्स के लिए प्रभावी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो उम्मीदवार हमेशा बड़े सिलेबस के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते रहते हैं, लेकिन उचित जो टाइम मैनेजमेंट के साथ आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवश्यक सभी सब्जेक्ट को सफलतापूर्वक कवर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, आज वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो है एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान। तो एक प्रॉपर स्टडी प्लान आपकी यूपीएससी की तैयारी की जो जर्नी है उसमें सबसे पहला कदम है, लेकिन सबसे जरूरी कदम है। ये प्लान आपको पूरी तैयारी के दौरान व्यवस्थित और फोकस रहने में मदद करेगा। अपनी स्टडी शेड्यूल बनाते वक्त अपने आप को ब्रेक, रिविजन और अन्य एक्टिविटी के लिए समय देना आप जरूर सुनिश्चित करें। अपने प्लान के साथ आप जो है यथार्थ वादी रहें, और पढ़ाई के लिए आप वास्तव में कितना समय समर्पित कर सकते हैं ये जानना भी उतना ही आवश्यक है। तो अपना स्टडी शेड्यूल बनाते वक्त ना आप अपने आप को ब्रेक, रिविजन और अन्य एक्टिविटी के लिए जो है वो समय सुनिश्चित करना ना भूलें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अपने प्लान के साथ आप यथार्थवादी रहें, और पढ़ाई के लिए आप वास्तव में कितना समय समर्पित कर सकते हैं ये जानना उतना ही आवश्यक है। तो आपको अपने स्टडी प्लान को रियलिस्टिक रखना होगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लड़ाई आपको कल नहीं जीतनी है, बल्कि आपको अपने आप को एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना है। तो इसकी तुलना आप एक मैराथन से कर सकते हैं। तो एक कुशल मैराथन धावक कभी भी अपनी पूरी जो ऊर्जा है ना वो रेस की शुरुआत में नहीं लगाता, बल्कि वो एक धीमी मगर सधी हुई शुरुआत करता है, और फिर जैसे जैसे वो अंतिम चरण में पहुंचता है तब वो अपनी सारी उसमें ऊर्जा झोंक देता है। आपको भी मैराथन की तरह ही इसे जीतना है। नेक्स्ट इज डिवाइड एंड रूल। तो यूपीएससी सिलेबस कितना बड़ा है ये तो हम सब जानते ही हैं, इसीलिए इसे छोटे छोटे मैनेजेबल सेक्शंस में बांटना जरूरी है। तो ये अभ्यास के लिए आपके फोकस और आपको मोटिवेटेड रखने में मदद करेगा। आप बेहतर संगठन और स्टडी प्लान के लिए सिलेबस को सब्जेक्ट और यहाँ तक कि अलग अलग चैप्टर के आधार पर आप बांट सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप एक बार में ही जो सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं उसे खत्म करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट उठाएं, बल्कि एक दो या तीन सब्जेक्ट की पढ़ाई भी एक साथ शुरू कर सकते हैं, बट डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। नेक्स्ट इज यूटिलाइज प्रोडक्टिव आवर्स। तो आपको पूरे दिन के दौरान अपने सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं वो उसकी पहचान कर लेनी चाहिए, और उन समयों के लिए ना अपने जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम है जो या सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें आप दें। तो सबसे जरूरी सब्जेक्ट पर पहले ध्यान दें, और जो कम जरूरी सब्जेक्ट है उसको बाद के लिए छोड़ दें। हालांकि यूपीएससी के लिए तो हम सभी जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, तो आपको सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल है। इससे क्या होगा कि आप सब्जेक्ट को आसानी से पूरा कर पाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेक डाउन स्टडी सेशंस। तो लगातार घंटों तक पढ़ाई करते रहना किसी के भी बस की बात नहीं होती,
तो अगर इनफैक्ट ऐसा कोई करता भी है तो यकीन मानिए कि उसकी तैयारी सिर्फ महीने दो महीने तक ही चल सकती है, उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर समेत अपने घर वापस लौट जाएगा। इसलिए आप भी ऐसा कोई ख्याल अपने मन में ना लाएं, बल्कि आप अपने स्टडी सेशन को बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक के साथ छोटे फोकस्ड सेक्शंस में बांट लें। आप जो पढ़ रहे हैं उसे हमेशा समझने की कोशिश करें, भले ही वो छोटी अवधि के लिए ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज स्टडी प्लानर। तो एक बार जब आप अपना स्टडी प्लान बना लेते हैं तो आप अपने समय का प्रभावी ढंग से आपको मैनेज करना जरूरी है। तो एक ऑनलाइन कैलेंडर या प्लानर के माध्यम से आप अपने जो प्रोग्रेस है उस पर नज़र रख सकते हैं, अपने शेड्यूल पर नज़र रखने का प्रयास करें। इससे आपको व्यवस्थित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। यदि आप पाते हैं कि आप पिछड़ रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग को उसके मुताबिक बदलें। तो दोस्तों, देखा आपने कि यूपीएससी के लिए अपना समय मैनेज करना या यूपीएससी के लिए जो समय निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सब आपस में सोचते हैं कि अरे तो बहुत मुश्किल है। बस ये है कि इसको आपको थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए इसके लिए और सही टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत है, और वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से आसानी से हासिल कर सकते हैं। और ये जो हमने टिप्स दिए आपको ज़रूर फॉलो करें तो इतने भी मैनेजेबल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे अपनी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभावित। नमस्कार।